हाय एवरीवन दिस इज़ वेरोनिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है बेसिकली आंध्र प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया जा रहा है वो भी एनिमल्स के लिए अदरवाइज़ आप सोच रहे होंगे एम्बुलेंस तो हर स्टेट में रहते हैं बट यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली ये एनिमल्स के लिए शुरू किया जा रहा है और आंध्र प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि एग्ज़ाम के लिए भी ये कैसे रेलिवेंट है देखिए अगर आपका कोई भी डाउट हो आप सोशल मीडिया पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टू गैदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा राइट बाकी आप जहाँ पे भी अवेलेबल हैं वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं क्वेरीज़ के लिए टॉपिक शुरू करते हैं इसका डिस्कशन देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया का पहला गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क जो एनिमल्स के लिए है वो यहाँ पे शुरू किया जाएगा ये डिसीजन क्यों लिया गया है ताकि हम एनिमल हस्बेंड्री जो है उसको बूस्ट कर सकें इस सेक्टर को बूस्ट कर सकें और इनफैक्ट वेटनरी सेक्टर को भी स्टेट के बूस्ट मिलेगी इस तरह के एक्टिविटी से जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के वाई एस जगनमोहन रेड्डी उन्होंने अपना एक मेन मिशन एक एजेंडा रखा है कि जो भी एनिमल्स हैं डिस्ट्रेस में हमें उनकी मदद करनी चाहिए अब देखिए एनिमल हजबेंड्री डिपार्टमेंट जो है उसको फर्दर बहुत सारी डायरेक्शंस जो हैं इससे रिलेटेड मिली हैं क्योंकि इसके लिए मोबाइल एम्बुलेंस वेटनरी क्लिनिक जो है वो सेटअप करने के लिए कहा गया है मोबाइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके इस तरह के क्लिनिक्स एम्बुलेंस में रहेंगे और ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेटअप करने को कहा गया है तो अगर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको मोबाइल एम्बुलेंस वेटनरी क्लिनिक जो है वो सेटअप करना है तो टोटल आपके इस तरह के 175 सेवेंटी फाइव मोबाइल एम्बुलेंसेज हैं वेटनरी पर्पज के लिए वेटनरी क्लिनिक्स के लिए वो सेटअप किए जाएंगे और उनमें से 108 जो है वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे वेटनरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे डोर स्टेप पे लोगों के डोर स्टेप पे ये सर्विस मिलेगी तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया डिसीजन यहां पे लिया गया है अब ये जो मोबाइल एम्बुल एम्बुलेंसेज हैं ये क्या प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट एड सर्विसेज जो ऑन स्पॉट डायग्नोसिस भी करेंगे और इन केस इमरजेंसी केसेस हैं एनिमल्स के कुछ उनको भी यहाँ पे अटेंड किया जाएगा और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट केस होगा यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट की फैसिलिटी रखी गई है कि एनिमल्स को लिफ्ट किया जाएगा और उनको शिफ्ट किया जाएगा जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट वेटनरी फैसिलिटी वहाँ पर रहेगी तो इसमें एक वेटनरी डॉक्टर रहेंगे और एक वन पैरा वेटनरी वर्कर जो हैं वो साथ में रहेंगे हर एम्बुलेंस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 24/7 जो है इसका फ्री कॉल सेंटर आपको रहेगा अगर आपके एनिमल को लाइफ स्टॉक को कोई भी कुछ प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको सर्विस मिलेगी अब देखिए अराउंड 1576 वेटनरी डिस्पेंसरीज़ जो हैं वो इस्टाब्लिश की गई हैं स्टेट में और इसके लिए जो डॉक्टर्स रिक्रूट किए गए हैं वो है वन और ज़रूरत पड़ने पर और भी डॉक्टर्स को यहां पे रिक्रूट किया जाएगा और यहां पे बहुत ही क्लियर डायरेक्शंस जो हैं चीफ मिनिस्टर ने वेटनरी डिपार्टमेंट को दी हैं कि क्वालिटी मेडिकेशन यहाँ पे यूज़ की जाए अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन एनिमल्स को दी जाएँ और और डॉक्टर्स की ज़रूरत है इस पूरे ये जो पूरा स्कीम है इसकी फंक्शनिंग के लिए तो और डॉक्टर्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे अब देखिए ये तो आ गया आपका करंट अफेयर कि आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली क्या किया है यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है देखिए जिस तरह से डब्ल्यू एच ओ का नाम आपने सुना है उसी तरह से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ भी रहता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओ आई ई लिखा जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसका जो फुल फॉर्म है ये अलग क्यों है ये फ्रेंच जो इसका फ्रेंच वर्ड्स हैं उसके हिसाब से इसका शॉर्ट फॉर्म ओ आई ई बनाया गया है बट अदरवाइज यू रीड इट एज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इनका मानना है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर कि ह्यूमन हेल्थ जो है और एनिमल हेल्थ जो है ये इंटर डिपेंडेंट है अगर एनिमल ज़्यादा बीमार रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ ह्यूमन्स को भी होंगी तो इंटर डिपेंडेंट है ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ इसलिए इस तरह का इकोसिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए कि हमको दोनों को इक्वल यहां पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सिर्फ ह्यूम्स को ही इम्पॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए एनिमल्स को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए तो ये जो ओ आई ई है इसके अकॉर्डिंग सिक्सटी परसेंट एग्जिस्टिंग ह्यूमन इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं वो जोनॉटिक हैं जोनाटिक का मतलब है जिनका सोर्स एनिमल animal है एनिमल्स के थ्रू वो डिजीजेज़ पास ऑन होती हैं ह्यूमन बींग्स को उनको हम जोनोटिक डिजीजेस बोलते हैं यानी दे आर ट्रांसमिटेड फ्राम एनिमल्स टू ह्यूमन्स सिक्सटी परसेंट डिजीजेज़ ऐसी हैं और सेवेंटी फ़ाइव परसेंट जो इन्फेक्शंस एमर्ज होती हैं उनका ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो वो एनिमल्स में है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के लिए एनिमल हेल्थ का ठीक होना कितना इम्पोर्टेंट है आगे का डेटा हम देखते हैं वन ऑफ द फाइव न्यू ह्यूमन डिजीजेज़ अपियरिंग एवरी ईयर थ्री ओरिजिनेटेड एनिमल्स जो भी हर साल नई नई बीमारियाँ आती हैं तो आप देखिए uh, जो पांच नई बीमारियाँ आ रही हैं उनमें से तीन जो हैं वो एनिमल्स में ओरिजिनेट होती हैं अब हमारे 80 परसेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल है कि टेररिस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं बायो टेररिज्म के लिए वो यूज़ हो सकते हैं जुनॉटिक पैथोजेंस। और ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये जो जुनॉटिक डिजीज़ हैं नियरली टू बिलियन केसेस हर साल जो सामने आते हैं और उसमें से टू मिलियन डेथ्स आपको इस वजह से होती हुई नज़र आएंगी जो कि एच एड्स और डायरिया से भी कहीं ज़्यादा हैं और वन फिफ्थ ऑफ प्री मैच्योर डेथ्स इन पुअर कंट्रीज जो डेवलपिंग देश हैं या पुअर देश हैं गरीब देश हैं वहाँ पे वन फिफ्थ प्री मैच्योर डेथ्स अगर आप देखेंगे वो इसी तरह की डिजीज से होती हैं जहाँ पर डिजीजेज़ एनिमल्स से ह्यूम्स में ट्रांसफ़र की जाती हैं सो नाव यू गेट द कॉन्सेप्ट वन हेल्थ कॉन्सेप्ट कि दोनों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिया में डेवलपिंग देशों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो आपको पता है कि हमारी कितनी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सिस्टम में इन्वॉल्व है एग्रीकल्चरल सिस्टम में जो हमारे लोग होते हैं फार्मर्स होते हैं वो लाइफ स्टॉक भी रखते हैं अब लाइफ स्टॉक से वो इतनी उनकी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं उनके पास रहते हैं दिन रोज़ दिन उनको उनसे काम पड़ता है तो कितने ईजिली एनिमल्स से ह्यूम्स में बीमारियाँ आ सकती हैं उसके बाद अगर ह्यूमन पॉपुलेशन और एनिमल पॉपुलेशन भी आप देखेंगे तो वो बराबर है यहाँ पे 2011 का सेंसस मैं कोट कर रही हूँ 121 करोड़ अगर लोग हैं तो 125.5 करोड़ लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री भी है तो जितना ह्यूमन पॉपुलेशन है उतना एनिमल पॉपुलेशन भी है दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सिक्सटी सिर्फ सिर्फ सिक्सटी फाइव थाउजेंड वेटनरी इंस्टीट्यूशन हैं कितने एनिमल्स के लिए 125.5 करोड़ एनिमल्स के लिए जहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 28,000 एट कुछ मोबाइल डिस्पेंसरीज़ आपको मिलेंगी फर्स्ट एड सेंटर्स मिलेंगे यानी बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वेटनरी की के लिए ना के बराबर है कुछ है बट नॉन एग्जिस्टेंट ही समझ लीजिए अगर आप ये डेटा देख रहे हैं एनिमल्स का इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता प्राइवेट सेक्टर तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं तो ये सब चीज़ें वे फॉरवर्ड इनके लिए क्या है एक तो आज हमने देखा जिस तरह का आंध्र प्रदेश स्टेट ने स्टेप लिया ये वे फॉरवर्ड में है एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि इस स्टेप से क्या फ़ायदा है वेटनरी इंस्टीट्यूशंस को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अगर हमको जोनोटिक पैथोजेंस को रोकना है एनिमल्स जिनका सोर्स हैं तो हमको वेटनरी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा क्योंकि अगर एनिमल सोर्स पे हम जल्दी किसी बीमारी को डिटेक्ट कर लेंगे तो हम वो बीमारी ट्रांसमिट होने से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं ताकि वो फूड चेन में एंटर ना हो यानी हमको एक रोबस्ट एनिमल हेल्थ सिस्टम जो है वो चाहिए अगर हम ह्यूमन हेल्थ चाहते हैं एकदम अच्छे से रहे उसके बाद डिजीज़ सर्वेलेंस की बात जो है तो ह्यूमन्स మేం హమ్ డిసీజ్ సర్వైలెన్స్ తో కర్తే హై ఇసీ తారా సే అనిమల్స్ మే బి కర్నే కి జరూరత్ హై హెల్త్ హైజీన్ కో లేకర్ లైఫ్స్టాక్ ఆర్ పౌల్ట్రీ కి హెల్త్ హైజీన్ కా బి ధ్యాన్ రఖనా చahiye ఆల్టిమేట్లీ తাকি హ్యూమన్స్ మే కోయీ బిమారీ పాస్ నా హో హమ్కో ఫుడ్ సేఫ్టీ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ అనిమల్ పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ ఇన్ సబ్ కో స్ట్రెంథన్ కర్నే కే liye యే స్టెప్స్ జో హై వో లేనే పడేంగే ఐ హోప్ ఇస్ టాపిక్ కా రిలేవన్స్ ఎగ్జామ్ కే liye క్యా హై వో ఆప్కో సమజ్ ఆయా హోగా కి అగ్రికల్చర్ మే డిసీజెస్ హెల్త్ వాలే సెక్టార్ మే యే स्टेप्स जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट मेंशन कर सकते हैं और आंध्र प्रदेश को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया है जहाँ पे वेटनरी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के गवर्नमेंट ने तरीके देखे हैं मोबाइल एम्बुलेंस जो है उसका इंतज़ाम किया है तो यही था हमारा आज का डिस्कशन आपकी कोई भी क्वेरी हो आप सोशल मीडिया पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा बाकी अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स स्टडी आई से चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ पर ई भी अवेलेबल है सारी इन्फॉमेसन आपको साइट और एप्लीकेशन पर मिल जाएगी थैंक यू सो मच